अब बात करते हैं रीवा जिले के मनगवा की, जहां एसडीएम कोर्ट के नाम पर कूट रचित आदेश पारित कर कई भूमि स्वामियों की भूमि दूसरों के नाम पर दर्ज किए जाने के मामले की जांच कलेक्टर को सौंपी गई है। इस संबंध में संभागायुक्त कार्यालय की ओर से कलेक्टर को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच कराकर प्रतिवेदन सौंपने के लिए कहा गया है। इस मामले की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता बी के माला एवं मनगवा से आए कुछ स्थानीय लोगों ने बीते महीने कमिश्नर से शिकायत की थी। कलेक्टर से कहा गया है कि शिकायत के सभी बिंदुओं पर जांच की जाए ताकि वस्तु स्थिति का पता चल सके। इस मामले में की गई शिकायत में कहा गया था कि मनगवा में एसडीएम कोर्ट के नाम पर फर्जी तौर पर दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों में भूमियों के नंबर भी बदले जा रहे हैं, जिससे कई लोगों का स्वामित्व भी प्रभावित हो रहा है। एसडीएम कोर्ट के नाम पर आदेश जारी किए जा रहे हैं और उन्हीं आदेशों के माध्यम से भूमियों पर कब्जा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। कई लोगों का भूमि स्वामित्व प्रभावित हुआ तो इसकी जांच कराई गई तो पता चला कि आरसीएमएस आदेश नहीं है। इन आदेशों में जो क्रमांक बताया जा रहा है वह पोर्टल पर किसी और के नाम से दर्ज है। आइए आपको सुनाते हैं उक्त मामले की शिकायत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता बी के माला को। कमिश्नर रीवा ने क्या आदेश दिया है? माननीय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा ने एक आदेश जारी किया है जो मनगवा तहसील थी, मनगवा तहसील में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से खसरा सुधार के नाम पर व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें खसरा सुधार के नाम पर कई किसानों की भूमि हड़प ली गई है, जिसकी फर्जी अदालत बना के फर्जी अदालत तैयार की गई और वहाँ पर बाबू बनाया गया और वो आदेश जारी कर दी। वो आदेश समूचे हमारे पास भी आदेश की कॉपियाँ हैं। मनगवा तहसील के अंतर्गत संबंधित हल्का पटवारी को नामांतरण करने के लिए वो आदेश जारी कर दिए गए। जब इस्तलाबी के लिए वो आदेश पटवारी के पास पहुँचे तो वो पकड़ में आ गए कि किसानों की भूमि, उनको किसानों को पता ही नहीं है और किसानों की भूमि दूसरों के नाम हो गई, खसरा सुधर गई। इस स्तर की जब जाँच हमारे संज्ञान में प्रकरण आया, किसान स्वयं आए और वह आदेश आए, तो जब आदेश की तहकीकात की गई तो तहकीकात से पता चला कि इस आशय के आदेश मनगवा कार्यालय में रिकॉर्ड में अभिलेख में दर्जी नहीं है। जब अभिलेख में दर्जी नहीं है और उसमें सील लगी है, प्रकरण क्रमांक है, वो प्रकरण क्रमांक किसी दूसरे के नाम दर्ज है, तो इस आशय की शिकायत हमने रीवा संभाग रीवा से की और मैंने आयुक्त महोदय रीवा संभाग से निवेदन किया कि ये मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर में एक खसरा सुधार के नाम पर व्यापक स्तर में भूमि घोटाला हुआ है, जिसकी जांच उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस विषय को माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग ने संज्ञान में लेते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें कलेक्टर रीवा महोदय को जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने उस पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि इसकी जाँच की जाए और जाँच करके संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।